मेला महोत्सव की टीम इस वक्त मैं मौजूद हूँ रस्सी वाली मार्केट टोपी बाजार ठाकुर कॉम्प्लेक्स के फर्स्ट फ्लोर पर। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ सुनील मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर पर। आप सभी लोगों की डिमांड आ रही थी ना कि वहाँ पर कैसे वर्क होता है और कितनी बड़ी टीम है। हाँ, मैं बताना चाहूंगा, ग्वालियर में एक ही रिपेयरिंग सेंटर है जहाँ पर 40 से 50 लोग काम करते हैं। यानी कि आप अगर एक बार में अगर 100 ग्राहक भी आ गए ना और उनने बोला कि आधा घंटे में सर ये हमारा मोबाइल ठीक होना है, तो 100 ग्राहकों का आधा घंटे में 40 से 50 जो वर्कर है, मैं एक साइड दिखाना चाहूंगा आपको। हाँ, अभी तो उनका जो गोदाम है वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। और ये सब वर्कर अपना अपना काम करते हुए और साथ में यहाँ पर देखिए सभी अपने अपने मोबाइल के जो मोबाइल यहाँ पर आए हैं कस्टमर के, उन मोबाइलों की रिपेयरिंग करते हुए ये सभी ये वर्कर हमारे सुनील मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर के ये सभी हमारे भाई लोग और एक एक चीज को बारीक से ये ठीक करते हैं। चलिए मैं आपको पास से दिखा रहा हूँ कैमरामैन इमरान खान के साथ। देखिए मैं आपको पास से दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से ये एक एक चीज को बड़ी ही बारीकी से ठीक कर रहे हैं यहाँ पर जो कस्टमर के मोबाइल यहाँ पर आए हुए हैं। ये देखिए एक एक चीज का बहुत ख्याल रखा जाता है सुनील मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर पर। एक एक चीज का ख्याल रखा जाता है। देखिए मोबाइल को खोलकर उसकी पूरी की पूरी रिपेयरिंग करते हुए ये देखिए मोबाइल खुला हुआ है। इसमें क्या प्रॉब्लम है ये वाले मोबाइल में? इसका फोल्डर फूटा हुआ है, फोल्डर चेंज हो रहा है। इसका फोल्डर चेंज कर रहे हो? ये फोल्डर है, ये देखिए कितना बारीकी से यहाँ पर। हाँ, यानी कि आपका मोबाइल जैसा था वैसा ही का वैसा हो जाए जैसा आप कंपनी से लेकर आए थे। और इसमें क्या आप कर रहे हो? टच चेंज होगा इसमें, इसका टच चेंज कर रहे हो। और आप सर? इसका भी टच चेंज हो रहा है। ये एम्बुलेट था जो मशीन से निकलता है, पहले ऐसे था। अच्छा, पहले ये ऐसा था। ये देखिए आंखें बंद हो गई थी इसकी, ऐसी आंखें हो गई थी फोल्ड इसकी यहाँ टच की, और ये टच चेंज कर दिया है। अब देखना ऐसा हो जाए। अरे करंट मार रहा है। ये देखो ये नया टच। हाँ, ये देख रहे हो ना, यही तो खासियत है ग्वालियर का एकमात्र रिपेयरिंग सेंटर जहाँ पर एक एक चीज की बारीकी से मरम्मत की जाती है मोबाइल की। हाँ, ये मोबाइल का। और ये देखिए ये टूटा फोल्डर है ना, और ये नया फोल्डर है। ये टूटा फोल्डर था, ऐसा लग रहा है ये तो कोई गाड़ी माड़ी चढ़ गई हो। हाँ, ये बिल्कुल बेकार हुआ है। अच्छा, पूरा बेकार हो गया था और ये नया फोल्डर जी आपने लगाया है। एमआई का और ये अगर सर्विस सेंटर में जाते ना तो आपके कम से कम कितने लगते है रुपए ये चेंज कराने के सर्विस सेंटर में? कम से कम 3000 रुपए लगते हैं। 3000 रुपए लगते हैं। और आपने कितने में कर दिया इसे? इसको 1200 रुपए में। 1200 रुपए में। हाँ, यही अगर आप एमआई का, ये देखिए ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल इन्होंने लगाया है ये एमआई का। और यही अगर आप सर्विस सेंटर जाते तो 3000 रुपए लगते, मगर मात्र 1200 रुपए में। हाँ, यही तो जादू है सुनील मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर सुनील भैया जी का, यही तो जादू है। और साथ में देखिए ये जहाँ पर रिपेयरिंग का कोर्स सीखते हुए, वैसे पढ़ाई करते हैं पर रिपेयरिंग का कोर्स भी यहाँ पर सिखाया जाता है बहुत ही वाजिब दामों में। अगर आप सीखना चाहते हैं और अपनी खुद की दुकान गांव में, शहर में या मोहल्ले में खोलना चाहते हैं तो यहाँ पर कोर्स भी कराते हैं बहुत ही वाजिब दामों में। हाँ, 3 से 4 महीने का कोर्स कीजिए और अपनी दुकान खोलिए। पर नाम आपको जो रखेंगे उसके पीछे आपको सुनील मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर का नाम देना पड़ेगा। ये इनकी ब्रांच टाइप में आपको खोलनी पड़ेगी। और ये देखिए आप क्या कर रहे हो सर? फोल्डर लगा हुआ है, पेस्टिंग हो रहा है, चिपक रहा है फोल्डर। ये तो आपने देखे बड़े 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 मोबाइल, यहाँ पर देसी मोबाइल भी। हाँ, देसी आदमी के साथ देसी मोबाइल। हाँ जी, हमारे देसी भैया बैठे हैं, ये देसी मोबाइल लेके बैठे हैं। हाँ, देसी मोबाइल भी यहाँ पर ठीक हो जाते हैं। यानी कि हाँ, ये कीपैड वाला मोबाइल ये ठीक कर रहे हैं। इसमें क्या दिक्कत है भाई साहब? डिस्प्ले नहीं आ रही, डिस्प्ले वाइट आ रही है। डिस्प्ले वाइट आ रही है तो इसको भी वाइट से रंगीन कर दोगे? हाँ, ये देखो जियो का फोन है, इसको भी रंगीन कर देंगे। इसमें भी फिर नेट चलेगा बिल्कुल फास्ट, सब चलेगा, सब फिल्म चलेगी। हाँ, तो भैया देसी देसी मोबाइल के लाए देसी आदमी के साथ। हाँ, कौन से गाँव के हो? अपना गाँव गोलपाड़िया।
गोल पालिया के ऊंचे जो ओलपरा पड़ता है ना, वहां से ये आते हैं। और अगर आप भी अपना मोबाइल ठीक कराना चाहते हैं और अपना टच चेंज कराना चाहते हैं, एक एक चीज का बहुत बारीकी से ध्यान रखा जाता है। ये देखिए, सारे जितने भी कंपनियों के मोबाइल हैं, देखिए ओप्पो, एचटीसी, ये सब ये सामान यहाँ पर अवेलेबल है। और साथ ही इनमें से जो जो बारीकी चीज निकलती है, और देखिए ये जो खराब हो जाते हैं, ये खराब वाले आइटम इधर अलग पड़े हुए हैं। और साथ में हाँ मैं कहना चाहूंगा, अगर आप भी आपका भी मोबाइल, हाँ उसकी आंखें बंद हो गई हैं, मैंने बताया था ना चाची की जगह चाचा को फोन लग रहा है, वो मोबाइल की टच चली जाती ना तो फोन इधर का उधर लगने लगता है। अगर ये सब आप ठीक कराना चाहते हैं, 1,000 से लेकर 1,00,000 तक का मोबाइल ठीक करके देते हैं, अगर यानी कि आप जैसा मोबाइल लेकर आए थे वैसा ही मोबाइल आपका ठीक करके देंगे सुनील मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर। और सर्विस सेंटर में आप जाएंगे ना, हाँ कंपनी के सर्विस सेंटर, वहां पर अगर 5,000 लगेंगे तो यहाँ पर लगेंगे 2,500, वहां पर अगर 2,500 लगेंगे तो यहाँ पर लगेंगे यानी कि 1,200-1,300 रुपए। और अगर वहां पर 1,200-1,300 लग रहे हैं तो उसके आधे यहाँ पर लगेंगे, और यहाँ पर वहां पर 1,000 लग रहे हैं तो यहाँ लगेंगे 500, और अगर वहां 500 लग रहे हैं तो यहाँ लगेंगे 250। तो आइए यहाँ पर सुनील मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर, रस्सी वाली मार्केट, टोपी बाजार और ठाकुर कॉम्प्लेक्स के फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद है सुनील मोबाइल रिपेयरिंग।